गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी मंडे के दिन बाज़ार कैसे काम करते हुए दिखाई दे सकता है और क्या हमारे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंट हो सकते हैं, क्या इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं। और साथ ही साथ मैं इसी वीडियो के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करूँगा। तो सबसे मेजर देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन क्या इम्पोर्टेंट इस जगह हमारे लेवल ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहे हैं उसको बारे में बात करेंगे। क्या बाज़ार आपको तेज़ी में दिखाई दे सकता है, ये आ सकती है एक प्रॉफिट बुकिंग, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँ, जैसे अभी की अगर हम क्लोजिंग की बात करते हैं तो क्लोजिंग कितने पर दिखाई दे रहा है, 51,673 के समथिंग हमको यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन रोल ओवर हमारे साथ हो क्या रहा है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए इस प्राइस से देखिए जब हमको सेलिंग देखने बोला, जो कि देखिए हमारा प्राइस था 54,400 के आसपास का, ठीक है, वहाँ से हम कितना ऑलमोस्ट इस जगह अभी तक सेलिंग दे चुके हैं। अगर आप ऊपर के प्राइस से देखोगे तो आप इस जगह अगर आपको दिखाई देगा तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 3000 पॉइंट हम नीचे की साइड है, ठीक है। लेकिन अब जब इसमें सेलिंग के साइड मूवमेंट आया था उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए अगर आप देखो तो इस चैनल तक देखिए यहाँ पे अगर मैं एक ड्रॉ करता हूँ लाइन तो यहाँ पे हमको दिखाई देता है कि यहाँ तक इसने क्या किया था, चैनल के अंदर काम किया था, यानी बाज़ार नीचे की साइड आया था लेकिन यहाँ पे इसमें इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमको देखने को मिले थे, जो कि 1/18 तारीख को भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। और यहाँ पर मैंने आपको बोला था मूवमेंट आएगा लेकिन आपका जो ऊपर वाला जो प्राइस है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। और दो बार इसने क्या किया कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 52,400 और यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो 52,400, ठीक है, इस प्राइस पे भी इसने इसी जगह पर रेजिस्टेंस लिया था और यहाँ पे भी देखिए इसने इसी जगह पर रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। यानी ये हमारा क्या हुआ, डबल टॉप, पहला टॉप हमको यहाँ पे देखने वाला और दूसरा टॉप हमको इस जगह देखने वाला, इसको हम बोलते हैं डबल टॉप, ठीक है। डबल टॉप पैटर्न बना, डबल टॉप पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे हमको दूसरे दिन देखिए सेलिंग देखने वाली, तीसरे दिन भी हमको सेलिंग देखने वाली और चौथे दिन भी हमको सेलिंग देखने वाली थी। लेकिन उसके बाद यानी जो मुहूर्त ट्रेडिंग वाला जो आपको इस जगह कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमको नीचे की साइड से देखिए इस जगह बाइंग हमको दिखाई दिया, ठीक है। इतनी सी आपको चीज़ें समझ में आया और फिर उसके बाद हम इस जगह क्लोजिंग देने में कामयाब हो गए। लेकिन रोल ओवर अगर हम समझते हैं तो ऊपर के लेवल से हमको अभी भी सेलिंग दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे कुछ मूविंग एवरेज मैंने आपको लगा के रखे हैं, जैसे कि अगर आप देखिए पीला वाला लाइन देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा, जो आपका पीला वाला लाइन है ये आपका 10 मूविंग एवरेज है, ठीक है। फिर आपको ये वाला जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये आपका देखिए ब्लू वाला, ये आपका देखिए 20 मूविंग एवरेज है। और फिर उसके बाद देखिए जो आपका रेड वाला जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं आपको बोलूँगा ये 15 मूविंग एवरेज है। और सबसे नीचे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जे वाला जो आपको लाइन दिखाई देगा ये आपका देखिए 200 मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने आपको जो मूविंग एवरेज भी लगा के रखा है। अब इस कैंडल पर अगर आप देखोगे तो देखिए जो आपका जे वाला जो मूविंग एवरेज है 10 वाला ये भी इसको टच करता हुआ दिखाई दे रहा है, 20 वाला भी दिखाई दे रहा है और 50 वाला भी दिखाई दे रहा है। यानी हो क्या रहा है कि एक ही कैंडल में ये सारे मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसी को अगर मैं इस जगह लेके आता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं इसको देखिए 15 मिनट के चार्ट पे आपके सामने लगा के दिखाता हूँ, तो 15 मिनट के चार्ट पे हो क्या रहा है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए एक हैंड शोल्डर पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हमने कुछ समय पहले देखिए हमने इस जगह निफ्टी के अंदर इस जगह देखा था और मैंने आपको बताया भी था कि निफ्टी के अंदर एक हैंड शोल्डर पैटर्न बनना है। अब देखिए इसको देखते कैसे हैं, तो यहाँ पे देखिए आप इंडिकेटर के अंदर आओगे और यहाँ पे देखिए जी आपको दिखाई दे रहा है हैंड शोल्डर पैटर्न। तो इसको हम कैसे देखते हैं कि यहाँ पे देखिए एक आपको यहाँ पर लगा है ये लाइट आपका शोल्डर हुआ, फिर नीचे आए, फिर देखिए जी आपका हेड हुआ है ऊपर की साइड, फिर नीचे की साइड आए और फिर आपका देखिए यहाँ पर रेड शोल्डर हुआ और रेस शोल्डर का देखें यहाँ पे आपका ये ब्रेकआउट हमको देखने वाला। यानी जब ये आपका हैंड शोल्डर पैटर्न बना तो आपको दिखाई दे रहा है कि जब पूरा जो ग्रीन ग्रीन है ये बिल्कुल देखिए क्लियर तरीके से इसको क्या हुआ है, देखो क्लियर तरीके से देखिए इसके अंदर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हमने देखा था 1 डे के चार्ट पे और फिर उसके बाद देखिए हमको लगातार एक सेलिंग देखने वाली थी।
अब देखिए ऐसा ही एक हैंड एंड शोल्डर हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन अब जो हैंड एंड शोल्डर है ये उल्टा है। ज़्यादातर हैंड एंड शोल्डर हमको कैसे दिखाई देते हैं, इस टाइप के, ठीक है, इस टाइप के हमको दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो ये उल्टा हैंड एंड शोल्डर हमको इस जगह दिखाई दे रहा है। अब ये चीज़ें भी देखिए आपको देखना चाहिए, अगर आप इनको ध्यान में देखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। अब जैसे कि देखिए ये लेफ्ट हुआ आपका, ठीक है, हेड आपका नीचे की साइड है, फिर ऊपर की साइड आए, और यहाँ पे ऊपर की देखिए जो आपका राइट शोल्डर हो गए, और जो इसका ऊपर की साइड ब्रेकआउट हुआ था, तो इस तरीके का ये हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरीके का। अब यहाँ पे हम क्या करके चल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था, ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा था, जो कि देखिए ये वाला जो पेराइस है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो ऊपर से भी अगर मैं एक ट्रेल लाइन इसमें लगाता हूँ तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है कि इस ट्रेल लाइन पे देखिए ये कंटिन्यू हमको सेलिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ऊपर से अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए पहले आपका 52,400, ठीक है, इसका इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर इस जगह देखिए 52,200, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस लिया, फिर आपका 52,000, ठीक है, और इसके बाद अगर आप देखो तो 51,800, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस लिया। यानी हमको क्या दिखाई दे रहा है इसमें, हमको दिखाई दे रहा है कि हर 200 पॉइंटों पे हमको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर आप देखो चार्ट पे तो ये आपका 30 और 31 तारीख, ठीक है, यहाँ पे आप कंटिन्यू देखोगे तो हर 200 पॉइंटों पे हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सेलिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर ये नीचे के साइड आता है और इस वाले लेवल को ब्रेक करता है जो कि आपका 51,600 को, तो एक हमको सेलिंग का प्राइस देखने को मिल सकता है, जिसमें अगर हम नीचे की साइड बात करें तो एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, जिसमें अगर हम बात करें तो इसमें 51,400, फिर आपका इस जगह 51,200, फिर इसमें देखिए 51,000 तक हम नीचे जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, इस पैटर्न को अगर ये कंटिन्यू नीचे की साइड काम करता हुआ दिखाई देता है। तो उसके बाद देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे लगाता हूँ तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले वन आवर्स का चार्ट। वन आवर्स का चार्ट बहुत पावरफुल चार्ट होता है, इसको हमेशा ध्यान में रखना। और वन आवर्स के चार्ट पे देखिए पावरफुल हमको क्यों देखने मिलता है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ें आपको पूरी यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ऊपर की साइड देखिए, ऊपर की साइड देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है, फिर इसी जोन पे रेजिस्टेंस लिया, फिर इसी जोन पे, यानी हो क्या रहा है कि ये लगातार ये अपने ऊपर वाला जो प्राइस है, इस वाले प्राइस में यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस था, फिर ये सेकंड था, फिर ये थर्ड था। थर्ड वाले में क्या हुआ कि ये इसी जगह से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि अगर ये आपका गैप के साथ ओपन हो जाए तो गैप के साथ ओपन होने में हमको 52,000 का हमको पहले 52,400 का पहले रेजिस्टेंस होगा, फिर इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर हमको इस जगह 52,600 के आसपास का हमको एक और रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। यानी गैप के साथ अगर ये ओपन हो जाता है या आपको ऊपर की साइड हमको जाता हुआ दिखाई देता है तो ये एक वो वाला जोन है, यहाँ पे हमको सप्लाई दिखाई दे सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो पहले भी देखें यहाँ पे सप्लाई आया था, सेकेंड में भी सप्लाई आया था, फोर्थ में भी सप्लाई आया था, तो ये एक सप्लाई जोन है। और प्लस अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए ये 200 मूविंग एयरवेज भी है और यहाँ पे 50 मूविंग एयरवेज भी हमको दिखाई दे जाता है, ठीक है। तो अगर ऊपर की साइड मिलता है तो ये हमको ये सप्लाई जोन भी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ में अगर मैं कुछ इंडेक्स के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अभी हुआ क्या था, जैसे इंडिया बिक्स में हमको एक बड़ी तेज़ी दिखाई दी, ठीक है, उसके बाद देखिए डाउ जोन में भी तेज़ी दिखाई दी, एसएम 500 में भी तेज़ी दिखाई दे रही है, अगर मैं बात करूँ तो नेकडेस में भी एक तेज़ी दिखाई दे रही है, और अगर मैं स्मॉल कैप 200 की बात करूँ तो वहाँ पर भी तेज़ी दिखाई दे रही है। लेकिन एक मेजर चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी कि एसपीएम 500 का जो बिक्स है उस बिक्स में हमको 5% की गिरावट दिखाई दी, जबकि हमारा जो बिक्स है इसमें 2% के आसपास की तेज़ी दिखाई दी। अब ऐसा हो क्यों रहा है, इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव हमको क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए अब इलेक्शन है, ठीक है, अमेरिका में इलेक्शन है 5 तारीख को, जो आपको पता होना चाहिए, और आज देखिए 2 तारीख है, ठीक है, कल भी आपका छुट्टी है, और आपका ऑलमोस्ट 3 तारीख को आपका बाज़ार ओपन होने वाला है, ठीक है। अब वहाँ पे जब बाज़ार होगा तो उतार चढ़ाव होने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका के मार्केट में चुनाव हैं। अब चुनाव के नतीजे कैसे आते हैं, चुनाव कैसे होते हैं, कौन सा पार्टी जीतता है, इस पर भी बहुत सारे
चीज़ें हमको देखने मिलेगी। तो बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी में देखिए अभी हुआ क्या है, इसमें हैंड शोल्डर पैटर्न बना था और हैंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद इसमें एक सेलिंग हमको ज़बरदस्त देखने मिली थी, जिसमें नीचे की साइड अगर मैं बात करूँ तो नीचे कितना मूवमेंट हमको देखने वाला था उस हैंड शोल्डर पैटर्न के बाद। तो यहाँ पे आपका हैंड शोल्डर पैटर्न बना था इस जोन पे, और यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो 750 पॉइंटों के आसपास की हमको सेलिंग देखने को मिल चुकी है हैंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद। ठीक है, अब देखिए इसमें हो क्या सकता है कि सबसे पहले अगर आप देखो तो अभी तक इसमें हुआ क्या है कि जब ये ऊपर वाले जोन पे था, यानी आपके जो 10 मूविंग एवरेज पे था, ये आपका 10 मूविंग एवरेज है, इसको इसने ब्रेक किया, फिर आपका इस जगह नीचे वाली जो लेवल है इसको भी मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, और फिर ये रेड वाला मूविंग एवरेज है इसको भी देखिए यहाँ पे ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे इसका क्या था, यहाँ पे देखिए इसका सपोर्ट भी था तो वो सपोर्ट को भी इसने ब्रेक किया। अब देखिए यहाँ पे ये एक कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा समय बिता रहा है, यानी यहाँ पे समय ले रहा है, लेकिन समय लेने के बाद आपको ये भी समझना चाहिए कि जो आपका 100 मूविंग एवरेज है उसको भी जो ब्रेक कर चुका है, ठीक है, उसको भी नीचे के साइड ब्रेक कर चुका है 1 आवर्स के चार्ट पे, 1 डे के चार्ट पे। अब जो इसमें देखिए नीचे के साइड फिर हमको जो सपोर्ट दिखाई देता है वो बहुत ज़्यादा नीचे, लेकिन ये कब इसको ब्रेक कर सकता है ये अपन इसको बात करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ समझ में आ रहा है कि ऊपर के लेवल से सप्लाई कंटिन्यू, यहाँ पे देखिए ऊपर के लेवल से हमको सप्लाई कंटिन्यू दिखाई दे रही है। अब इसमें जैसे ही देखिए मैं यहाँ पे चार्ट लेके आता हूँ और इस चार्ट को देखिए 15 मिनट के चार्ट पे हम लगाते हैं, तो यहाँ पे अगर आप चार्ट को देखो तो यहाँ पे देखिए एक ऊपर वाली जो लाइन दिखाई दे रही है ग्रीन वाली, ये ग्रीन वाली जो लाइन है देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आपका 200 मूविंग एवरेज है, ठीक है, ग्रीन वाली लाइन, और ये ग्रीन वाली लाइन को कर कह रहा है कि ये कंटिन्यू देखिए इसी जगह पर आता है, यहाँ पर सेलिंग आ रहा है, फिर ये ग्रीन लाइन पर आया फिर सेलिंग आया, फिर इस ग्रीन लाइन पे आया फिर सेलिंग आया, और अभी भी ये इस ग्रीन लाइन के आसपास है। यानी हमको ये समझ में आ रहा है कि जब तक ये इस ग्रीन लाइन को ब्रेक नहीं करता ऊपर की साइड, जब तक ये ऊपर की साइड इसको ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन देखिए ऊपर की साइड ब्रेक करने के लिए हमको एक प्राइस पे ध्यान रखना चाहिए जो कि 24,444, ठीक है, इस प्राइस पे आप ऊपर की साइड ध्यान रखिए 24,444। अगर ये इसको ऊपर की साइड ब्रेक करता है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टी टाइम देखिए इसमें क्या हुआ है, देखिए मल्टी टाइम अगर आप देखो तो डबल बॉटम बना है, डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बना है, देखिए 1 2 3, ठीक है। अब ये ट्रिपल बॉटम का अगर ये ऊपर की साइड इसको ब्रेक कर देता है और इस प्राइस के ऊपर निकलता है जो कि आपका 44,400, तो फिर इसमें ऑलमोस्ट हम ऊपर की साइड एक जगह देखें 44,555, फिर आपका एक जगह 44,600, फिर आपका 44,777, ठीक है, यहाँ तक हम जाने की कोशिश कर सकते हैं। यानी एक आपका अपसाइड मूव मिल सकता है अगर ये इस प्राइस के ऊपर निकलता है तो, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉटम हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब इसी में अगर मैं नीचे की साइड बात करता हूँ तो नीचे की साइड हमको क्या दिखाई दे रहा है, 1 आवर्स के चार्ट पे, 1 आवर्स के चार्ट पे देखिए बिल्कुल एक सपोर्ट वाला जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ये सपोर्ट भी लेता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे हमको ध्यान रखना है, और यहाँ पे देखिए 1 आवर्स के चार्ट पे जे वाला जो प्राइस है, जो मेरा दूसरे नंबर का जो एक टारगेट जोन है, ये हमारा रेजिस्टेंट प्राइस देखने मिलेगा जो कि आपका 24,666 के समथिंग है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट का ध्यान रखना है। बाकी वीडियो कैसा लगा ये वीडियो को ज़रूर लाइक करके बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।